लो। और तीन लोक, स्वर्ग लोक ये पृथ्वी लोक और नीचे पाताल लोक, ये तीन लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो। ये तीन लोक हम तो एक छोटा सरपंच बन जा उस समय फूल जा, MLA बन जा तो धरती तोल जा, मंत्री और मुख्यमंत्री बन जा तो बस कहना है के पता नहीं के बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं बालकों के खेल हैं तो खिलौनों से खिला रहा काल तुम्हारे, और तुम्हारी पुण्य को यहाँ बर्बाद करवा कर तुम्हारे कर्म बिगड़वा रहा है। और इस सतनाम में इतनी शक्ति है, इतनी कीमत है, तीनों लोग पृथ्वी स्वर्ग और पाताल ने तो बिल्कुल यूजलेस पास्यंग के स्थान पर रख दे। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार सत उप देश है रंग होरी हो, गरीबदास लौलीन है रंग होरी हो, गरीबदास लौलीन है रंग होरी हो, आवागमन निवार राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं, ये जो तरीका आपको बताया परमात्मा की भक्ति करने का, ये मंत्र है। क्या बताते हैं कि नामा छिपा ओम तारी, नामदेव जी छिपा जाति में जन्म था उन महापुरुष का, और पूर्व जन्म जन्मांतर के बहुत पुण्यकर्मी होने के कारण उनमें बचपन से ही सिद्धियाँ थी। एक बार नामदेव जी अपनी छान, पहले झोंपड़ी होती थी और उनके ऊपर छान डाला करते घास फूस ला कर जंगल से काट के, और उसको अपनी छान को वाटरप्रूफ बनाया करते थे। वह छान टूट गई थी, नामदेव जी की माता ने कहा बेटा अपनी छान टूट गई है और तू घास फूस काट लिया जंगल तक, अच्छा माता जाता हूँ। अब वो घास काटने के लिए जंगल से फूस लेने के लिए गया, रास्ते में एक सत्संग हो रहा था उसमें बैठ गया, और ऐसा बैठा उसका याद दे ना रही मैं किस काम से गया था। सत्संग सुनया फिर आपस में विचार विमर्श हुए, संत के पास बैठ गए, फिर वहाँ सेवा कराने लग गया, भगता रहे थे, भोजन भंडारा बनवाया, फिर उनको खिलवाया, देर होगी। वापस आया, माँ ने पूछा भाई घास नहीं लाया बेटा, अक माता जी भूल गया मैं, सत्संग में चला गया, फिर मेरा याद ना रही, अक अच्छा बेटा कर लिया ना। अगले दिन फिर वहीं चला गया, 4-5 दिन का सत्संग था, शाम को याद आवे फिर वापस आ जा। तब उसकी माँ ने कहा बेटा ये तो दिक्कत हो जाएगी और वर्षा आने वाली है। तीसरे दिन उसने फिर देर होगी, सत्संग समापन हो गया, तो उसने सोची भाई माँ फिर कहेगी अरे तो बात बिगड़गी। अब थोड़ा सा समय रह गया था, सूर्यास्त होने वाला था, कुआड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा, वहाँ जल्दी जल्दी लग गया काटने, पैर में कुआड़ी लग गई। अब कुआड़ी लग गई, अब वो जो काट रखा थोड़ा बहुत घास वो भी नहीं ले जा सकया, और पैर के कपड़ा बांध के काफ़ी खून रक्त निकल गया, पैर से लंग करता हुआ चल पड़ा, और वहाँ जाकर देखा के छान बना कर डाल रखी सुंदर। उसने पूछा माँ माता जी ये छान कैसे डल गई, किसने डाल दी? कहने लगी रे कि क्या कह रहा बेटा तू, अभी तू ही तो था साथ में, एक कारीगर को लाया था छान, तुमने तो बनाई, सारा दिन के लग रहे थे तुम यहाँ पर। वो अपनी माँ के मुंह की तरफ देख रहा है, अक माता क्या बोल रही है,
माता कौन था, मैं तो अभी आ रहा हूँ, मेरे पैर में वहाँ चोट लगी माता जी, मैं कुछ घास नहीं ला सका, मेरे पैर में कुहाड़ी लगी, जल्दी जल्दी काटू था दांती वो लग गया। उसकी माँ ने पैर देखा, सचमुच लड़के के ये कब लगी कैसे लगी, अब तो तू यहाँ था रे। अक नहीं माता मैं नहीं था। अकोर कौन था फिर वो? तब नामदेव ने कहा माँ वो भगवान था। अब परमात्मा उस अपनी प्यारी आत्मा की छान भी बना के चले गए, इतनी पुण्यात्मा थी नामदेव। अब ये पिछले संस्कार थे उनके, जैसे ही आप जी हो पिछली पीढ़ी में, आपको ये दास बार बार कहता है, लेकिन आप बालक हो, कोई 6 महीने का है, कोई 6 दिन का, कोई आज ही जन्म लिया है। जन्म लेने का मतलब जिस दिन उपदेश ले लिया वो दिन हम गिनते हैं, वो आपका जन्म है। तो अभी आप बालक हो, कोई 2 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का, कोई 6 वर्ष का, और जो हो गए 10-12 वर्ष के उनको काफ़ी समझ आ चुकी है। आपको नहीं मालूम ये कितना अनमोल कार्य आपके ये यहाँ हो रहा है, और आपको कितना लाभ प्राप्त हो रहा है आपको नहीं मालूम। आप तो बालक हो, डॉक्टर को पता होता मरीज का कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मरीज को भले ही आभास ना हो। अब जैसे अब आपको ये अनमोल रत्न मिला है, इसमें जब पारित हो गए, झंझट मिट गया, फिसल के रह गए अब, तो ना जाने कितने जन्म मजा का आपको, कितने युगों के बाद ये सु अवसर प्राप्त होगा। आपके पास वो सत मंत्रों की कमाई है। पहले हम 5 नाम आपको देते हैं इन कमलों को खोलने के, इन कमलों के कमाई से आप ब्रह्मा के लोक में, फिर विष्णु के लोक में, फिर शिव के लोक में, फिर दुर्गा के लोक में, गणेश के लोक, और ओम नाम के जाप से फिर ब्रह्म लोक में। और दूसरा मंत्र है, इसकी भी कमाई इसने काल ने एक बहुत बड़ा धोखा कर रखा है, या नकली सतलोक अलख लोक बना रखे हैं, उसमें बैठा कर ब्रह्म लोक में वहाँ बर्बाद करवा देता है। तो कई 1000 वर्षों अगयुगों तक तो आपको पृथ्वी पर आन नहीं दे, और पृथ्वी पर आगे सतयुग में कोई यूज नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, और कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में जब मनुष्य जन्म है तो तुम्हारा कल्याण होगा, ना तो कति नहीं हो सकता। तो उन्हीं पुण्यात्माओं में से, अच्छी आत्माओं में से नामदेव जैसे रह गए थे, उनके स्वर्ग ऊपर के लोकों में भी खूब पुण्य अपने समाप्त करके पृथ्वी पर आ गए, फिर भी उनकी पुण्य कमाई गणी थी। जिस कारण से वो परमात्मा कबीर देव जी उनके पीछे पीछे रहते हैं। फिर नामदेव जी सोचते थे कि मैं जो ओम नाम का जाप करता हूं, मेरी इस कमाई के कारण ये ऐसे ऐसे चमत्कार प्रभु कर रहा है। एक बार नामदेव जी के पिताजी कहीं बाहर चले गए, माता पिता, और वहां एक विट्ठल भगवान की पूजा करते हैं, उसकी मूर्ति बनाकर रखी हुई होती है। माता पिता तो वैसे भोग लगाते थे, आप दूध पी जाया करते थे, बाहर जाने लगे, पहले लंबे रास्ते पैदल जाया करते, 10-10 दिन में वापस आ सकते आया करते थे। तो जाते समय नामदेव जी से कहा, बेटा तू विट्ठल भगवान के भोग लगा के और पीछे भोजन खाना। अच्छा माता जी। अब माता पिता चले गए, नामदेव जी स्नान किया, स्नान करके दूध का कटोरा भरा, पत्थर की मूर्ति थी विट्ठल भगवान की वहाँ रख दी, और कहा भगवान दूध पी लो, फिर पाछे रोटी खाऊंगा मैं। अब विट्ठल दूध वो मूर्ति थोड़ा पिया करती थी, वो तो एक बार रख के आदर सत्कार से, और फिर शेष को सारे दूध में डाल दिया करते थे, भोग बनाया करते थे ऐसे। अब चौथा दिन हो गया, नामदेव दूध ना रोटी खावे ना पानी पीवे,
और कहे भगवान मेरे से कोई गलती बन गई, मुझे पता नहीं था आप कैसे प्रसन्न होते हो, मेरे माता पिता मुझसे नाराज होंगे, प्रभु भोग लगा दो। चौथे दिन कहते नू वो मूर्ति में तो हाथ निकले और नू पकड़ कर दूध का कटोरा गट गट पी कर वापस पकड़ा दिया। फिर रोज पीवा, प्रतिदिन पीने लगे। वह मूर्ति नहीं पी रही थी, वो परमात्मा आकर के लीला कर रही थी। अब उनके माता पिता आए, आते ही पूछा बेटा भगवान को भोग लगाया, कहाँ कहाँ माता जी, 3 दिन तो भगवान ने दूध नहीं पिया, चौथे दिन पिया, मैंने भी अन्न नहीं खाया, रोटी नहीं खाई। वो उसके मुंह की तरफ देखी, ये क्या बोल रहा है। तो उन्होंने सोची ये झूठ बोला है, क्योंकि पत्थर की मूर्ति दूध थोड़ा पिया करती। माता पिता ने कहा बेटा तू सच्ची बता, झूठ ना बोले। हाँ कहा माता जी, चौथे दिन दूध पिया भगवान ने और मैंने भी इतने रोटी नहीं खाई। अब उनका दुश्चय नहीं, क्योंकि वह तो वैसे दया करते फॉर्मेलिटी के लिए। कहने लगे बेटा अब पी लेंगे भगवान दूध। कहाँ पी लेंगे, अब जाकर दूध का कटोरा रख दिया, ना पिया भगवान ने। अंतरात्मा से पुकार करी, भगवान मेरे माता पिता की आत्मा दुख पाओगी और ये मुझे झूठा बनाओगे, इन्हें कहेंगे भगवान दूध नहीं पिया, हे प्रभु दया करियो। इतने मुसीबत पर उनकी माता पिता के सामने मूर्ति से ऐसे हाथ निकले बाहर और कटोरा दूध का लेकर गट गट पी लिया। अब नामदेव के पिताजी ने सारे गांव में जगह जगह बता दी, मेरे बेटे ने विठल भगवान को दूध पिला दिया, दूध पिला दिया। ईर्ष्यालु लोग बहुत होते हैं कि ड्रामाबाजी कर रहा, झूठ बोलता है, भगवान की बेइज्जती करता है, ऐसे दूध थोड़ा पीता है भगवान। पंचायत होगी, चौपाड़ में बुला लिया नामदेव और नामदेव का पिता कि हमारे सामने दूध पिलाओ, नहीं तो तुम्हें गांव से निकाला दे देंगे, गांव निकाला कर देंगे। वो पत्थर की मूर्ति वहां दर दी विठल भगवान की। नामदेव जी ने प्रार्थना की, प्रभु आपका दास को आज झूठा कहेंगे ये दुनिया, प्रभु आपकी महिमा ये समझ नहीं पाएंगे, नास्तिक हो जाएगी जनता। उसी से मैं दूध उनके सामने रखा और विठल भगवान ने उठाकर हाथ ऐसे हाथ निकले बाहर और सबके सामने पी लिया। पुण्यात्माओं, इतना कुछ होने के बाद भी नामदेव जी का मोक्ष नहीं था। कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास और गेल गेल ला गया फरू जब लोग धरती आकाश। वो पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपनी प्यारी आत्मा को, अच्छी आत्मा को, दृढ़ भक्त को आकर मिलता है, सोचल सीधर कर देता है, अस्थाई रूप पर कहीं रहने लग जाता है, 10-20 वर्ष रहता है, फिर वहाँ से चल पड़ता है। उसके कोई स्थान का भी ठिकाना नहीं होता, उनके कोई एड्रेस भी नहीं होता, ऐसे महापुरुष भी हमने देखे और सुने। तो ऐसे वो प्रभु रहता है। नामदेव जी से चर्चा की, नामदेव जी ओम नाम से ऊपर कोई मंत्र नहीं मानता था, तब परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर उन्हें दूसरा मंत्र लिया। यहाँ बताते हैं कि नामा छिपा ओम तारी, नामदेव वो छिपा जाति में महापुरुष हुए। कहते हैं उनकी पहले ओम में लौला गिरी थी और दूसरे मंत्र को नहीं मानता था। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोड़ ना होई। अब नामदेव जी कहते हैं ए जी साधो, सारे शब्द मोहे पाया। फिर बाद में खुशी होकर कहते हैं कि मुझे सार शब्द मिल गया। नमा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोड़ ना हुई। नामदेव जी का कल्याण परमेश्वर ने आके उनको मंत्र दिया, इन मंत्रों से उनका कल्याण हुआ। यही मंत्र है जो गुरु नानक देव जी ने जाप किया, उनका कल्याण हुआ। और उनको आगे आदेश था प्रभु का कि ये नाम अभी किसी को नहीं देना, किसी को बताना नहीं।